अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम। तो आज हम करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का 4.7 के ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का 4.7 के हम ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो यहाँ पर आपका 4.7 का ये जो लेसन का नाम जो मैं आपको सिखा रही हूँ, आप लोगों का लेसन का नाम है इन द स्टोन का। अब हम ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स मतलब एक्सरसाइज पेज करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, रीड द पैसेज वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। तो आपको ये पूरा अपना पैसेज खुद रीड करना पड़ेगा, गैस करना पड़ेगा, उसके मीनिंग लिखना पड़ेगा, वेरीफाइड फ्रॉम अ गुड। ओके, तो ये सब तो हम आपको नहीं दे सकते। स्टूडेंट डू इट ऑन योर ओन, और ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब हम करने वाले हैं हमारा सेकेंड एक्सरसाइज, जो सेकेंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पुट द फॉलोइंग इवेंट्स द ऑर्डर। तो आपको इसको भी कैसे करना होगा, देखिए ये ऐसा दिया हुआ है ना आपको, और ये बाकी पूरा ये जो दिया हुआ है यहाँ पर आपके सामने, जो मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ए से के तक का, वो आप लोगों का क्वेश्चन है। अब आपको इसको अरेंज करना होगा, मीन्स ये उल्टा पुल्टा लिखा है, आपको इसको लाइन से लिखना होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लाइन से उसको पूरा लिख के दिया है कि अगर आप लोगों को देखिए ऐसे ऐसे लिखना है, जो एच वाला है ना इधर, देखिए यहाँ पर जो एच वाला है ना वो फर्स्ट है। तो मैंने वहाँ पर जो डिजिट आपका मतलब फर्स्ट लिखा हुआ ए बी सी डी से आपको डिफाइन करना नहीं है। आपको देखिए जो एच वाला है वो फर्स्ट है, फिर उसके बाद में सी वाला वो सेकंड है, डी वाला वो थर्ड है, बी वाला फिर डी वाला फिर ए वाला फिर आई वाला जे वाला ई वाला जी वाला के वाला एफ वाला, ऐसा है लाइन से। नहीं तो आप लोग समझो कि ए वाला, ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मैंने सोल्यूशन करके यहाँ पर लिख के दिया आपको, वैसे ही बिल्कुल अपनी नोटबुक में लिखना होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है। ये देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को पहले फर्स्ट आपको उतारना होगा। एंड देखिए जब ये जो डार्क कलर का ग्रीन में लिखा है सोल्यूशन, सोल्यूशन के आगे से आपको जो मैं बॉक्स में फिल करके बता रही वो लिखना है डायरेक्ट। देखिए एक इतनी सा छोटी सी लाइन आपको डायरेक्ट बस आंसर में लिख देना है। थर्ड का आंसर आप लोगों का यहीं पर हो जाएगा, फर्स्ट का ए। अब हमें करना है फर्स्ट का बी। तो देखिए फर्स्ट का बी में आप लोग डायरेक्ट ये लिख दीजिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन है और ये जो लाइन बॉक्स में मैं फिल करके बता रही हूँ आप लोगों का आंसर है। ओके, फर्स्ट थर्ड के बी का। अब हम करने वाले थर्ड का सी। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो है एरो से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो आपका थर्ड का सी है, और जो मैं बॉक्स में फिल करके बता रही हूँ वो आप लोगों का आंसर है। अब हम करने वाले हैं थर्ड का डी। तो लेट्स गो, थर्ड का डी करने वाले हैं हम। चलिए तो अब थर्ड का डी वाला यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो एरो से दिखा रही हूँ आप लोगों को क्वेश्चन है, एंड ये जो मैं बॉक्स में फिल करके आप लोगों को दिखा रही हूँ आपके थर्ड के डी का आंसर है। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर फोर, राइट फाइव वर्ड्स ईच। तो ये देखिए ये आप लोगों का क्वेश्चन है पूरा, ये जो तो दिया हुआ है वो आप लोगों का क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, विद द सोफिक लेस ओला विद द प्रीफिक्स इन नाइन। ओके, तो इसका आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये जो सोल्यूशन करके मैंने यहाँ पर पूरा नीचे दिया हुआ है ना, ये देखिए ये पूरा बॉक्स में आप लोगों को मतलब जो मैं फिल कर रही हूँ बॉक्स में आप लोगों को वो लिखना है। देखिए इन लोगों ने कहा है कि उसके बारे में ऐसे पूरा लिखो ऐसा, तो वही आप लोगों को लिखना है जो मैंने बॉक्स में फिल किया, आपको डायरेक्ट वो अपनी नोटबुक में उतार देना, यही आपका राइट आंसर है। एंड देन उसके बाद देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, विजिट अ लाइब्रेरी। तो और आप हम तो आपको विजिट नहीं करा सकते लाइब्रेरी में, आपको खुद जाके विजिट करके एक्सपीरियंस करना होगा। तो स्टूडेंट डू इट योर ओन। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम। एंड बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।